आते हैं मार्जिन, मार्जिन कब किस लिए करते हैं बताओ? वेरी गुड, यहाँ से हम लोग जगह इसको या तो कम कर सकते हैं या तो ज्यादा। ओरिएंटेशन जी बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर, पोर्ट्रेट लंबा और लैंडस्केप चौड़ा। पोर्ट्रेट में लंबाई ज्यादा होता है, लैंडस्केप में चौड़ाई ज्यादा होता है। साइज का उपयोग किस लिए करते हैं बताओ? सर, पेपर को नापने के लिए। बिल्कुल सही, हम लोग किस साइज में प्रिंट करना चाह रहे हैं साइज को पता करने के लिए। डिफॉल्ट साइज क्या होता है? वेरी गुड यार। अब आते हैं कॉलम, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे कॉलम क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है या दाएं से बाएं जाता है? ऊपर से नीचे जाता है, ठीक है। कॉलम ये पूरा है, अभी सिर्फ इसमें कितना कॉलम है? एक ही कॉलम है ना। देखो मैं ऐसे लिखते जा रहा हूँ, साइड जा रहा है, सॉरी क्या यहाँ पे जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैं इस पे आऊँगा ना, और इसके बाद इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वो कर देता हूँ, ये लिखा यहाँ पे, मैं टू कॉलम पे क्लिक करता हूँ, कॉलम पे आ गया और यहाँ पे कितना कर दिया, दो। देखो दो पार्ट में बट गया क्या, एक कॉलम इस पर और अपना एक कॉलम इस पर, ऐसे बार बार ये मिनिमाइज कैसे जा रहा है, इसे एक मिनट फिर से ये। अब मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी और पेस्ट करता हूँ। कॉपी के लिए सबसे पहले कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। वेरी गुड यार, ये देखो इस पार का जैसी भरा उस पार आ गया क्या, अभी कितने कॉलम किया था, कितने भाग में बटे, ये उपयोग कहाँ करेंगे अब? बोलते ना अंतर स्पष्ट करो दो चीजों में, डिफरेंस बिटवीन। बिल्कुल सही, डिफरेंस बिटवीन बोल दी कि क्या बोलते हैं, आता था कहीं बोल बनाया सही बोलो, उसमें था छोटी आंख बड़ी आंख में अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसा करके हाँ, तो उस समय अपने काम आएगा। अब मान लो बोल दिया कि नहीं अब तीन चीज में अंतर स्पष्ट करो, कोर आई फाइव, कोर आई सिक्स, सॉरी कोर आई थ्री, फिर फाइव, फिर सेवन, ये जनरेशन है अपने इसके सिस्टम के प्रोसेसर के, इसमें अंतर स्पष्ट करो तभी कितने कॉलम है, और मेरे को टॉपिक कितना दिया गया है, तो यहाँ से कितने कॉलम कर दूंगा मैं, वेरी गुड। अब देखो यहाँ से फिर से पेस्ट करते चलता हूँ, आगे क्या तीन कॉलम, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर? तो लिखते जाएंगे तो ऐसे भरते जाएगा कि अगले हिसाब से लिखते जाएंगे? हाँ, ऐसे भरेगा, सबसे पहले ये पूरा भरेगा सर, इसको भरने के बाद दूसरा भरता नहीं, बिल्कुल भर सकते हो आराम से, वहाँ जाके पहले ये भरेगा, उसके बाद ही ये भरना चालू होगा। मान लो यहाँ तक आ गया, हम चाहते हैं अब यहाँ से आगे ना भराए, तो फिर हम लोग को यहाँ पे कैसे क्लिक करना पड़ेगा, तो इसको भरेगा और यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो इसको भरेगा, ऐसे करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देखो क्या दिया हुआ है, लेफ्ट, लेफ्ट में देखो क्या दिखा है, लेफ्ट तरफ कम छूटा हुआ है और राइट तरफ ज्यादा लिखा हुआ है, वैसा ही है क्या? लेफ्ट तरफ कम जगह छोड़ा हुआ, राइट तरफ ज्यादा। फिर आता है अपना वैसा ही एक जस्ट दे देगा वाइस वर्सा, राइट, राइट तरफ कम छोड़ा रहेगा लेफ्ट तरफ, यहाँ तक कोई डाउट? फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कॉलम्स, कॉलम से देखो मोर कॉलम ऑप्शन दिया है ना, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। मान लो इसको मैं चाहता हूँ कि नहीं अब क्या हो जाए, ये अपना लेफ्ट में ही रहे, लेकिन देखो यहाँ से मैं स्पेसिंग बढ़ा रहा हूँ ना, स्पेसिंग बढ़ा रहा हूँ, देखो दूरी बढ़ते जा रहा है क्या दोनों के बीच का, और यहाँ पर ओके कर दिया, ये ऐसा कुछ हो गया अपना, इन दोनों के बीच का इतना गैप क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये जो ये मार्जिन का गैप है, इसे हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं या फिर ऐसे करके हम लोग घटा सकते हैं, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन फिर हम लोग आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ब्रेक, ब्रेक मतलब क्या होता है, इसको मैं वन कॉलम कर लेता हूँ, ब्रेक मतलब क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है, तोड़ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते चलते हैं, ब्रेक के बारे में देखो बहुत से ऑप्शन दिए हैं इसमें, पेज ब्रेक पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, पेज ब्रेक पेज को तोड़ना, तो पेज को तोड़ना। अभी देखो कितने पेज है और मैं कौन से पेज पे हूँ, पहले पेज है, पहला पेज, पहले पेज, बिल्कुल सही, जैसे पेज ब्रेक किया ना, उन दोनों के बीच का गैप दिखाएगा और कितने पेज पे आ गया मैं, अभी तो हम दूसरे पेज और दो पेज, और ये आ गया अपना एक नया पेज आ गया ना, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। मैं फिर से क्या करता हूँ, डिलीट। नेक्स्ट ऑप्शन देखो क्या है पेज ब्रेक में, अपना कॉलम, कॉलम पढ़ें क्या हम लोग, बिल्कुल सही, यहाँ पे कॉलम क्या देने के लिए, कॉलम डिफाइन करने के लिए कि हाँ पहला कॉलम ये है तो दूसरा कॉलम ये होगा। लेकिन एक चीज गौर करोगे, मैं अभी पहले पेज पे था ना, यहाँ पे जैसे ही मैं कॉलम पे क्लिक किया, कौन से पेज पे आ गया, दूसरे, ठीक ठीक क्या कारण है कि दूसरे पेज पे आ गया, क्योंकि पहले पेज के बाद दूसरा कॉलम हम मिडल में बनाया था क्या, बीच में कहीं यहाँ से तोड़ा हम क्या, नहीं। तो दूसरे कॉलम पे जा पाएगा क्या, नहीं। डायरेक्ट इसको दूसरा कॉलम किस पेज से मिलेगा, दूसरे पेज, इसलिए दूसरा पेज ले लिया। लेकिन अब देखो मैं इसको पेज से दो बीच में दो कॉलम में तोड़ दिया, एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम कौन सा है अपना, ये वाला पार्ट। अब मैं फिर से कॉलम पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ नए पेज पे जाता हूँ कि नहीं, नए पेज पे गया क्या, नहीं। पहले भी एक पेज था, अभी भी कितना पेज है, एक ही पेज है, तो वो समझ में आ गया कॉलम से कैसे दूसरा पेज मिल रहा था, वो सेकंड में गया था, गुड। हम लोग किस में चले गए थे, सेकंड पेज में, क्योंकि इसके बाद वो क्या था, इसमें एक ही कॉलम था ना, दूसरा कॉलम तो दूसरे पेज पे मिलता, इसलिए दो कॉलम को उसे तोड़ दिया गया था। इसको फिर से मैं एक कॉलम कर लेता हूँ, इसे पूरा को फिर से डिलीट कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है, टेक्स्ट रैपिंग, बताने की जरूरत है क्या, नहीं सर।
टैक्स को क्या कर लेंगे, गिरेगी। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू और इवेंट पेज, और ये आउट पेज, इसको हम लोग कंप्लीट करते चलते हैं। नेक्स्ट पेज किस पेज को बताएगा? बिल्कुल सही, पहला पेज था, जैसे नेक्स्ट पेज क्लिक किया कौन से पेज पे आ गया, दूसरे पेज पे। फिर से आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे अपने पेज ब्रेक के, यहाँ पे ये इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज, मतलब एक ही पेज में क्या करना आपका, एक नया सेक्शन स्टार्ट कर देना। अब ये कैसे काम आएगा देखो, सेक्शन ब्रेक हम लोग को ज्यादा अच्छे से पता है कब समझ में आएगा, जब मैं आपको लाइन नंबर पढ़ाऊंगा ना उस समय। मैं यहाँ पे लिखा एक, ये लिख दिया दो, और यहाँ पे एक लिखा तीन, और यहाँ पे लिखा चार। यहाँ पे आके मैं मारता हूँ सेक्शन ब्रेक, यहाँ पे आ गया और क्या मारा है यहाँ से देखो, मार दिया ने कंटिन्यू जो है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा, कुछ फर्क पड़ा क्या? लेकिन सेक्शन ब्रेक मारा हूँ कि नहीं मैं, बिल्कुल सही। अब देखो उसका फर्क यहाँ पे पड़ता है, लाइन नंबर जो है ना, देखो मैं कंटिन्यू कर दिया, एक दो तीन चार, सॉरी पूरा सेलेक्ट करता हूँ, लाइन नंबर क्या किया मैं कंटिन्यू किया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आ गए। अब देखो रीस्टार्ट इच पेज दिख रहा है क्या, मतलब हर एक पेज पे क्या होगा वो स्टार्ट होगा, ये क्या दिख रहा है रीस्टार्ट इच सेक्शन, ये देखो यहीं से सेक्शन तोड़ा था मैंने, तो यहाँ से फिर से कितना से स्टार्ट हो गया, एक दो तीन चार, ऐसा करके। तो सेक्शन ब्रेक समझ में आया क्या काम किया था, तोड़ा अलग अलग सेक्शन बनाया, बिल्कुल अलग अलग सेक्शन बना दिया, लेकिन चार से ही सेक्शन जो पांच से तो बनाते हैं। हाँ मेरे को फिर वहाँ से सेक्शन ब्रेक देना पड़ेगा, जैसे देखो मैं यहाँ पे आ गया, इसको मैं लाइन नंबर को फिर से नन कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा एक, मैं यहाँ पे लिखा दो, मैं यहाँ पे लिखा तीन, ये हो गया अपना चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठवा, ये हो गया सातवा, ये हो गया आठवा। पांचवा से हम लोग तोड़ना चाहते हैं तो किस पे आएंगे, पांचवा पे, और यहाँ पे आके क्या मारेंगे हम लोग, एक सेक्शन ब्रेक मार दिया यहाँ पे सेक्शन ब्रेक में, आ गया गया, ठीक है। पूरा को सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे दिया हूँ पेज नंबर, बोलता हूँ रीस्टार्ट इच सेक्शन, ये देखो पांच तक था, पांच पे नया सेक्शन दिए थे ना, मान लो ही नौवीं क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, मेरा क्लास छोटा है, एक बार पूरे स्टूडेंट आ पाएंगे क्या? मैं दो सेक्शन बांट दिया, पहले में कर दिया एक से 50 सेक्शन ए, सेक्शन बी में जो स्टूडेंट है उनका रोल नंबर 51 से शुरू होगा या एक से, एक से ही होगा ना, वैसे इसमें जैसे हम लोग सेक्शन ब्रेक दिए तो जो नया सेक्शन शुरुआत होगा वो किससे होगा, एक से। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन देखो फिर क्या दिया हुआ है, इवेंट पेज। इवेंट पेज मतलब इवेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सम या विषम, वेरी गुड। अभी कौन से पेज पे हूँ, पहले इवेंट करूंगा तो किस पे आऊंगा सीधे, दूसरे, दूसरे के बाद इवेंट करूंगा तो कौन से पेज पे जाऊंगा बताओ, चार, वेरी गुड, कौन से चार, चार के बाद फिर छह, छह के बाद फिर आठ, ऐसे करके सम सम बढ़ते जाएंगे, आउट कर दूंगा तो किस पे जाऊंगा, विषम, तीन पाँच, बिल्कुल सही, तीन पाँच सात नौ, ऐसे करके पाँच, फिर उसके बाद अपना अगला क्या आता है सात, तो किस पे जाएंगे, सातवें पेज पे। यहाँ तक कोई डाउट? ये पूरा का पूरा यहाँ तक हो गया अपना कंप्लीट। लाइन नंबर आ जाते हैं, लाइन नंबर मतलब आप कैसे लाइन पे नंबर देना चाहते हो, मैं यहाँ पे आके कर दिया हूँ नॉन बुलेट टाइप से, बिल्कुल सही बुलेट टाइप से, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं नंबर, अभी कोई नंबर है क्या, मैं यहाँ पे आ, यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया हूँ मैं कंटिन्यू। अब देखो क्या भाई, एक दो, ओ शिट सॉरी, यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया, यहाँ पे आके इंटर मारता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, लेकिन जैसे ही नया पेज आया इस पे क्या हो रहा है, फिर से 28 के बाद क्या आ गया, हम लोग चाहते हैं नहीं हर एक पेज में तो एक से ही स्टार्ट हो, तो यहाँ पे आके क्या करेंगे, पेज नंबर को रीस्टार्ट इच पेज कर देंगे, लाइन नंबर रीस्टार्ट इच पेज, ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया गया एक दो तीन चार, फिर नया पेज आएगा, सेक्शन कर देते तो सर, हाँ सेक्शन कर दे तो हर एक सेक्शन से स्टार्ट होता, फिर हर एक सेक्शन से नया नया क्या होता है स्टार्ट होता, तो यहाँ पे भी सेक्शन बांटा हूँ क्या मैं, अब चलो सेक्शन पे आते हैं, यहाँ तक तो अपना कंटिन्यू था, अब मैं क्या किया पूरे को डिलीट कर दिया, फिर से अभी एक है, अब यहाँ पे आके मैं क्या किया हूँ रीस्टार्ट इच सेक्शन, लेकिन अभी तक कोई सेक्शन बांटा हूँ क्या, तो अलग होगा क्या, अब मैं यहाँ पे आके सेक्शन बांट देता हूँ, ये हुआ और यहीं पे आके मैं मार दिया सेक्शन ब्रेक, ब्रेक पे आया और यहाँ पे आके क्या कर दिया कंटिन्यू से एक सेक्शन ब्रेक मार दिया, तो ब्रेक से स्टार्ट हो गया क्या। अब जाते हैं हम लोग लास्ट पेज तक, ये देखो इसके बाद 23, 24, 25, 26 आ रहा है, मैं चाहता हूँ ना यहाँ से अब फिर से क्या हो एक से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे आके मैं क्या मार दूंगा सेक्शन ब्रेक, ये कंटिन्यू कर दिया, देखो एक से स्टार्ट हो गया क्या। यहाँ तक कोई डाउट तुम्हें? ठीक। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है वो है सुपर प्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ, मान लो हम चाहते हैं किसी पैराग्राफ पे पेज नंबर ना आए तो उसको सेलेक्ट कर लो इतना को, और हम लोग यहाँ पे आके कर देंगे ये सुपर प्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ, आया क्या कोई पेज नंबर, हट गया ना। ठीक, यहां तक में कोई डाउट तुम्हें?
जिससे मैं इसे नन कर देता हूँ और इसे हटा देता हूँ यहाँ से, ये सॉरी और यहाँ से बन गया नन। हाइफनेशन पहले कभी पढ़े हैं क्या हम लोग? हाइफनेशन का उपयोग कब करते हैं? मैं यहाँ पे नेट से कुछ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आ गए, यहाँ से आने वाली एक साइड है जिसको मैं यार इसको डिसकनेक्ट कर दिया हूँ, इसको कर लेता हूँ बॉस।